टुडे वी स्टडी इंग्लिश क्लास 6 यूनिट नंबर 3 हेल्थ इज द रियल वेल्थ। सेहत हकीकी दौलत है। हेल्थ इज वेल्थ इज अ प्रोवर्ब व्हिच मींस अ लुट टू अस। सेहत हजार नेमत है, ये एक कहावत है जिसका मतलब है हमारे पास बहुत कुछ है। वी कैन से दैट अ हैप्पी लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ। खुशियों भरी ज़िंदगी का हम ये कह सकते हैं, खुशियों भरी ज़िंदगी का ताल्लुक सेहत से होता है। अवर लाइफ इज अ सिंपल बायोलॉजिकल साइकिल। हमारी ज़िंदगी एक हयातियाती चक्कर है। व्हिच डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ईट टू सर्वाइव। वो मुनसर करती है कि क्या हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए। स्ट्रॉन्ग माइंड एंड हेल्थी बॉडी मेक अ कंप्लीट बींग। एक सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद जिस्म जो है एक कंप्लीट इंसान को बनाता है। अ फेमस पोइट राल्फ वाल्डो एमर्सन द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। एक मशहूर शायर राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा है कि पहली जो दौलत है वो सेहत है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ सेवरल थिंग्स इफ वी वांट टू स्टे हेल्दी। हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं। मैनी फैक्टर्स प्ले अ पार्ट इन कीपिंग अस हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर एंड सनलाइट फ्रेश एयर हेल्प अस टू स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम। बहुत सारे अवामिल जो हैं वो किरदार अदा करते हैं हमें सेहतमंद रखने के लिए। मिसाल के तौर पर हवा, पानी, सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा जो है वो हमें मदद करती है हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखने में। इट रेगुलेट्स अवर ब्लड प्रेशर एंड हर्ट रेट। और वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी और हमारी जो दिल की शिरे है उसे भी सही रखती है। इट केयर्स अवर लंग्स एंड मेक अस हेल्थी। और वो हमारे फेफड़ों को भी साफ करती है और हमें सेहतमंद रखती है। एट द सेम टाइम सनलाइट हेल्प अवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। उसी वक्त जो सूरज की रोशनी है वो हमारे जिस्म को विटामिन डी बनाने में मदद देती है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर कीप अस हेल्दी एंड हाइड्रेट। वी नीड टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली। ऐसे जो साफ पानी पीना हमारी हमें सेहतमंद रखता है और हाइड्रेट रखता है। हमें रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। वेयरस इम्प्योर वाटर इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ सेवरल डिसीज। इसी तरह जो ख़राब पानी है वो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। अबाउ ऑल अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स अवर बॉडी विथ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रेंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शंस सो दैट अवर बॉडी कुड फंक्शन प्रॉपरली। और ऐसे ही बैलेंस डाइट जो है मतवाजन गिजा वो हमें बहुत सी अहम गिजाई चीज़ें जो हैं वो फराहम करती है ताकि हमारा जिस्म जो है सही तरह इस तरीके से काम कर सके। अवर रेगुलर मील शुड हैव अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर। हमारा जो रोज़ की गिज़ा है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स और विटामिन्स और जो मैदनियात और पानी जो है वो बराबर मिकदार में शामिल होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर रिच फूड जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और फाइबर रिच फूड जो है फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर ओवरऑल हेल्थ। सब्जियां और जो फल हैं वो हमारे रोज़ की जो सेहत है उसके लिए ज़रूरी हैं और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। और जो हरी सब्जियां हैं वो एक मुफीद ज़रिया हैं हमारी रोज़ की गिज़ा में। फाइबर रिच फूड्स सच एज रेशे भरी गिज़ाएँ सच एज होल ग्रेन वीट्स ब्रैन
ETC help us to improve our digestive system, जैसे कि गंदुम और सारी जो बीज होते हैं वो सब जो हैं हमारी निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करते हैं. फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन आर्डर टू कीप द बॉडी हेल्दी. और जो फिजिकल जो एक्सरसाइज हैं और जो खेलें हैं वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है. उसको सेहतमंद रखने के लिए एक्सरसाइज हेल्प्स ब्लड टू सर्कुलेट प्रॉपरली. और जो एक्सरसाइज है वो हमारे खून के दौरानिया को सही से चलने में मदद करती है. वी शुड नेवर फॉरगेट अ फेमस सेइंग प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर इन टर्म ऑफ सेइंग हेल्दी विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज. हमें ये मशहूर कहावत भूलनी नहीं चाहिए कि एहतियात इलाज से बेहतर होता है. और ये भी कहा जाता है कि जो है एक्सरसाइज जो है वर्जिश वो हमें मदद करती है सेहतमंद रहने में. लास्टली क्लीन लाइन्स इज द की टू हेल्थ. आखिर में जो सफाई है वो हेल्थ की कुंजी है. विदाउट क्लीन लाइन्स इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ. और एक्सरसाइज के सफाई के बगैर हम अपनी सेहत को सही से नहीं रख सकते. वी शुड क्लीन आवर हाउस एंड आवर सराउंडिंग एरियाज एवरी डे टू अवॉइड होम फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स. और हमें जो है रोज़ अपने घर को साफ और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए. और हमें मक्खियों से और दूसरे जानवरों से भी उसको साफ करना चाहिए. आवर फूड नीड्स टू बी अ कवर्ड. हमारे खाने ढके होने चाहिए. सिम्यूट एंड सुली पर्सनल हाइजीन इज आल्सो कंपल्सरी. इसी तरह हमारी जो हाइजीन है वो हमारे ज़रूरी है. वी शुड टेक बाथ डेली. हमें रोज़ नहाना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर ईट समथिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट. और हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए खाने के बाद भी और बैतुल खुला इस्तेमाल करने से के बाद भी. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे टू कीप आवर माउथ क्लीन एंड फ्री ऑफ डिजीज. और हमें ब्रश करना चाहिए ताकि दिन में दो मरतबा ताकि हमारा जो मुंह है वो बीमारियों से साफ रह सके. वी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टू हैव अ सम फ्रेश एयर. हमें ताज़ा हवा के लिए सुबह को वर्जिश पे जाना चाहिए या वॉक करनी चाहिए. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ इक्वली नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ. और सुबह सवेरे उठना भी सेहत के लिए अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है. इफ़ वी वांट टू मेंटेन अवर हेल्थ. जब हम अपनी सेहत को का ख्याल रखेंगे वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो हम उस उसूल पर को फॉलो की पैरवी करेंगे कि सुबह सवेरे सोएं और सवेरे उठें. उठने से लोगों की जो सेहत दौलत अच्छी रहती है और वो अक्लमंद होता है. हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुबहान व ताला. सेहत अल्लाह ताला की रहमत है. इट इज़ अ ग्रेटेस्ट प्रेशर एंड अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. और ये बड़ा ख़जाना है और खुशियों का ज़रिया है. गुड हेल्थ कंट्रीब्यूट टू द इमोशनल वेल बींग एंड हैप्पीनेस पर्सन. और जो अच्छी सेहत है वो लोगों के अच्छा बनाती है और उसे खुश रखती है. इवन विद अ लिमिट इनकम अ पर्सन विद अ साउंड हेल्थ कैन लीड अ पीसफुल एंड प्रॉस्पोरस लाइफ. कम ही आमदनी में लेकिन लोग जो है अच्छी सेहत के साथ एक खुशगवार सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं. डियर स्टूडेंट टुडे आवर लेसन इज कम्प्लीट. गुड बाय. टेक केयर.